एक क्रिकेटर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जिसके बाद वो न केवल अपनी नेशनल टीम का एक खिलाड़ी रहता है बल्कि उसके साथ उसके पूरे देश की भावनाएं जुड़ी होती हैं। इस तरह का करियर कई खिलाड़ियों ने बनाया है जिसमें भारत के भी बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो फैंस के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं। चाहे खिलाड़ी मैदान से दूर हो या संन्यास ले, लेकिन उनके साथ फैंस की ऐसी भावनाएं जुड़ी रहती हैं जिसमें वो हर दम फैंस के दिलों में राज करता है। भारत के खिलाड़ियों में ऐसी ही शख्सियत पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मानी जाती है। जी हां, भारत में धोनी का नाम न केवल एक क्रिकेटर के रूप में लिया जाता है बल्कि फैंस के बीच इस खिलाड़ी का अपना ही एक खास सम्मान और मुकाम है जिसके कारण धोनी आज भी करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में बसते हैं। पिछले कुछ समय से धोनी का करियर कई तरह के सवाल पूछ रहा है। एक तो वो लंबे समय से भारत के लिए नहीं खेले जिसके बाद बीसीसीआई के अनुबंध की श्रेणी से हटाने के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो फैंस के जहन में आते हैं। ऐसे में हम आपको उन सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं। सवाल पहला ये है कि क्या धोनी खेल पाएंगे। धोनी को लेकर इस तरह के सवाल फैंस के दिलों में उमड़ते हैं लेकिन धोनी में अब क्या इन सवालों को खत्म करने का मादा है। वैसे फैंस के बीच थाला के रूप में पहचाने जाने वाले धोनी को बल्लेबाजी शैली में ज़रूर स्ट्राइकिंग की कमी आई है लेकिन फिर भी आज धोनी क्रिकेट के सबसे इंटेलिजेंट खिलाड़ी कहे जा सकते हैं। सवाल नंबर दो, आखिर किस पोजीशन पर खेलेंगे धोनी। ये एक ऐसा सवाल है जो धोनी के आगे करियर के लिए ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि धोनी का बल्लेबाजी क्रम ही उनकी टीम में जगह बनाने की बात को तय कर सकता है। धोनी दुनिया के बेहतरीन फिनिशर रहे हैं लेकिन अब जिस तरीके से उनकी हिटिंग एबिलिटी में कमी आई है उससे तो हर कोई ये जानना चाहता है कि वो किस स्थान पर खेलेंगे। तीसरा सवाल है, बल्लेबाजी कैसे करेंगे धोनी। जिस तरह से फिलहाल भारतीय टीम में एक के बाद एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी देखे जा रहे हैं उससे तो धोनी की कमी को कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर धोनी टीम में आते हैं तो वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। क्यों फिनिशर का रोल अब उन्हें शायद भी मिले। ऐसे में वो टीम में आने पर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये तो सवाल ही रहेगा। चौथा सवाल यह है कि क्या सीएसके को और जीत दिला पाएंगे या फिर यूं कहें कि क्या कामयाबी दिला पाएंगे धोनी। भारत के लिए विश्व कप के बाद से ही धोनी नहीं खेल रहे हैं लेकिन अब उनके आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने की पूरी संभावना है। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल सीजन में टीम को कहां तक ले जाएंगे ये बड़ा सवाल है क्योंकि धोनी की कप्तानी में अब तक सीएसके हर बार अच्छा करता रहा है। इस बार भी वो कुछ ऐसा करेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। और आखिरी सवाल ये है कि क्या धोनी का सीएसके के लिए सीजन हो सकता है आखिरी। धोनी अपनी 38 साल की उम्र को भी पार कर चुके हैं, अब उनमें वैसा दमखम नहीं रहा जैसा सालों से देखा जा रहा था। लेकिन सीएसके के प्रमुख एन श्रीनिवासन ने तो पहले ही कह दिया है कि धोनी 2021 का सीजन भी खेलेंगे। सवाल ये है कि क्या धोनी की बॉडी उनके दो सीजन और खेलने के लिए फिट है या वो इस सीजन के बाद बाय बाय कह देंगे। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।